तो इस भट्टे का ये घर है जो देख सकते हो, अंडा देख लो यहाँ पे ज्यादा पका नहीं है। Hey guys, तो आज मैं ऐसे भट्टे पर हूँ जो काफी सालों से बंद है, तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। मतलब ये मैं अभी किलिंग के यहाँ पे हूँ, तो देख सकते हो इस भट्टे का ये किलिंग है जिसके अंदर हूँ मैं अभी, और फिलहाल ये देख सकते हो। और ये भट्टा मतलब काफी सालों से बंद है जो देख सकते हो, मैं ऐसे आप सभी को दिखाने के लिए आ गया बस। और ये है जनता भट्टा जो काफी सालों से बंद है, जो देख ही सकते हो यहाँ पे, मतलब ये किलिंग सफाई नहीं की गई और ये भट्टा मतलब काफी सालों से बंद हो गया है, यहाँ पे देख ही सकते हो, इसीलिए सफाई भी नहीं की गई इस भट्टे का किलिंग को, यहाँ पे देख सकते हो ये भट्टा मतलब काफी सालों से बंद है। तो चलिए अभी को चल के घूम के दिखा देते हैं एक अभी किलिंग कैसा है, यहाँ पे देख सकते हो। मैं यहाँ पे आया हूँ आज घूमने के लिए जनता भट्टा पे, यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे मैंने पिछली बार भी वीडियो बनाया था जो ऊपर के, और ये किलिंग नहीं दिखाया था आप सभी को कि कैसा है ये अंदर से, तो ये देख सकते हो अंदर से मतलब कैसा है, खंडर हो गया है पूरी तरह से, ये सफाई नहीं की गई, और यहाँ पे देख सकते हो। तो हम इसके अंदर ही हैं, तो चलिए इसके बाद देखते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हो गाइस, देख रहे हो इस भट्टे पर लोग काम नहीं करते, बस देखभाल करने के लिए कुछ लोग हैं, दो लोग जो उस पर हैं, तो यहाँ पे इसीलिए नहीं दिखते। और यहाँ पे ये भी सफाई नहीं की गई, देख रहे हो गाइस कितना खंडार हो गया ये भट्टा। और ये भाई भाई मतलब दोनों भाई मिलके लड़ाई हो गई, तो इसी वजह से भट्टा बंद हो गए, और मैंने यही सुना है, तो दोनों भाई के बीच लड़ाई हो गई, तो इसी वजह से भट्टा बंद हो गया है। और यहाँ पे देख सकते हो, और एग्जैक्ट मुझे क्या है नहीं पता, क्योंकि इस भट्टे पर हम काम नहीं करते, हमारे भट्टा काफ़ी दूरी पर है, तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, जितना है मैं तो बता दिया। दोनों भाई के बीच लड़ाई हो गई, तो इसी बात से ये भट्टा बंद हो गया है, क्योंकि काफ़ी सालों से बंद है, और कितने सालों से बंद है मुझे नहीं पता। और यहाँ से देख के लग रहा है कि ये भट्टा काफ़ी सालों से बंद है, तो देख ही सकते हो, मतलब ये देख लो खंडर हो गया है भाई, ये इस तरफ से भी देख लो गाइस, देख लो मतलब ये काफ़ी सालों से बंद है, इसी वजह से ये भट्टा खंडर हो गया है पूरी तरह से, देख लो कुछ भी बचा नहीं है, बस सारे खंडर है, और ये सफाई भी नहीं की गई जो देख ही सकते हो। और हम इससे चल के भी दिखा देते हैं सभी को, और यहाँ से ऊपर जाना भी काफ़ी रिस्क है, यहाँ पे देख सकते हो बस काफ़ी हाइट है, ये मेरी जितना हाइट है पाँच फुट जितना हाइट है ऊँचा, तो इसे जाने के लिए हमें जंप करके जाना होगा। यहाँ पे देख लो, देख रहे हो कितनी खंडर जंगल हो गया है, और यहाँ पे देख सकते हो लोग भी नहीं है एक भी। और आज हमारे मतलब शनिवार है, तो आज हमारी हफ्ता है, तो ये वीडियो कल अपलोड होंगे, तो मुझे एडिट भी करना है मुझे ही, क्योंकि काम रहते हैं हमारे, तो और भी जाके मुझे ईंटें लगाने हैं, क्योंकि मैं ईंटें लगाते समय छोड़ के आ गया, क्योंकि आपके लिए भी वीडियो बनाने हैं, इसीलिए मैं कभी वीडियो एग्जैक्ट टाइम पर अपलोड नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना होता है और काम भी करना होता है, इसी वजह से मुझे लेट हो जाता है कभी कभार, और सही टाइम पे वीडियो इसीलिए कभी आ नहीं पाता। और यहाँ पे देख ही सकते हो गाइस, यहाँ पे ये पूरी तरह से मतलब खंडर हो गया, अभी पूरी तरह से खंडर, और पेड़ जो भी है उग गए हैं। और आगे से ये देख लो, देख रहे हो ये ईंटें निकाले नहीं जो मैंने दिखाया भी था, और ये ईंटें है, बस इतना ईंटें है, और बाकी तो ये पूरी तरह से खंडर हो गया है, ये देख सकते हो पेड़ उग गए हैं, जो भी है सभी उग गए हैं, मिट्टी मुट्टी जंग लग गए हैं, यहाँ पे खराब हो गए सारे किलिंग, और ये काफ़ी सालों से बंद है, इस वजह से ये इतना देख सकते हो खराब हुए पड़ा हुआ है, पूरी तरह से बेकार हो गया है ये, और इसे सफाई करने होंगे। मुझे ये भट्टा कभी चल पाएगी या नहीं मुझे नहीं पता, पर यहाँ पर देख सकते हो ये भट्टा मतलब पूरी तरह से खंडर हो गया है, ये देख लो। तो हम जहाँ से आए थे वहाँ से चलते हैं ऊपर और दिखा देते हैं और भी ऊपर, क्योंकि ये यहाँ से जाना देख सकते हो काफ़ी हाइट है, यहाँ से मुझे जंप करके जाना होगा, अगर जाना है तो यहाँ से मुझे जंप करके जाना होगा, जो कि काफ़ी हाइट है, तो यहाँ से नहीं, हम जहाँ से आए थे वहाँ से चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे सीढ़ी है, तो ऊपर से सीढ़ी से चलेंगे और चलते हैं फिर वहाँ तक। और मैं आ चुका हूँ गाइस, यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा पीछे सीढ़ी है, इसी से ऊपर जाने होंगे, बस यही है एक ही जो ऊपर जाने के लिए रास्ता है, और बाकी तो ये देख सकते हो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बस पूरी तरह से खंडर है और पूरी तरह से खराब हो गए किलिंग, तो इसे सफाई करने होंगे। कब स्टार्ट होंगे या स्टार्ट होंगे या अभी नहीं, ये नहीं पता हमें, तो ये जिसका भट्टा वो जाने। तो यहाँ से हम ऊपर चलते हैं और जाते हैं हम बेर खाने के लिए, मैं तो यहाँ पे बेर खाने के लिए आया था जो कि पक गए हैं, तो चलिए हम दिखा देते हैं और पे भी चलते हैं, क्योंकि ये देख सकते हो यहाँ पे भी ऊपर जाने के लिए यही सीढ़ी है बस, और यहीं से हमें ऊपर आने होते हैं, तो चलिए फिर आप सभी को दिखा दे। तो मैं चल रहा हूँ अभी बेर खाने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे बेर खाने के लिए आया था, और इस साइड हमारे मतलब बेर की एक पेड़ है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इस पेड़ में मतलब पका है या नहीं। तो यहाँ पे वो पेड़ देख सकते हो गाइस काफ़ी ऊपर है, तो यहाँ से चलते हैं हम,
पहले ये देख सकते हो यहाँ पे बेर की एक पेड़ है, तो चलिए इसमें देखते हैं मतलब बेर पका या नहीं, पका है तो खाएंगे फिर और चलेंगे भट्टे पर अपने, क्योंकि यहाँ पे शाम के वक्त है और मुझे आने में थोड़ा देर हो गई वीडियो बनाने में, और हमेशा हो जाती है क्योंकि भट्टे पर भी काम करने होते हैं, इसी वजह से लेट हो जाती है वीडियो बनाने में। और यहाँ पे देख सकते हो एक बेर की पेड़, तो इसी में जाएंगे हम, देखते हैं बेर पका या नहीं। तो ये देख सकते हो गाइस इस भट्टे का मतलब ये जनता भट्टे का ये पाथर है, जो कि भट्टा बंद होने के कारण ये पूरी तरह से खाली है, मतलब एक भी लोग नहीं है यहाँ पे, देख सकते हो पूरी तरह से ये सुनसान हो गया है। और भी मिट्टी यहाँ पे लाई जाएगी जब भट्टा दोबारा स्टार्ट की जाएगी, और दोबारा काम स्टार्ट करेंगे तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये भट्टा इस भट्टे का मैनेजर जानते हैं यहाँ पे, जो देखभाल करते हैं यहाँ पे उनको भी पता होगी। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हो बेर की पेड़ यहाँ पे है, तो इसे मुझे दिख रहा है 2-4 पक्का है, तो यहाँ से ऊपर चलते हैं फिर, और ऊपर जाने के लिए इस साइड है, इस साइड से चलते हैं गाइस। हाँ हम तो मेहनती हैं, मेहनत करके चलेंगे यहाँ से। लो गाइस मैं आ चुका हूँ, और यहाँ पे देख सकते हो गाइस यहाँ पे एक भी बेर नहीं है गाछों में, बस 2-4 ही ऊपर है, तो यहाँ पे सारे लोग खा गए, जो पीछे इसका भट्टा है यहाँ पे देख सकते हो उस भट्टे के लोग यहाँ के बेर खा गए, क्योंकि 2-4 ही बेर देख रहे मेरे को बस ऊपर ही है, और नीचे का तो सारा खा गए, क्योंकि ऊपर नहीं चलेंगे, क्योंकि ऊपर नहीं, नीचे से तो सारा बेर खा गए। तो वहाँ से देख सकते हो, और मैं चल रहा हूँ इस भट्टे का, जिस भट्टा पे मैं आया हूँ, और ये देख सकते हो ये जनता भट्टा है, तो इस भट्टे का ये घर है जो देख सकते हो यहाँ पे मिट्टी से पूरा ढक गया है, इस यहाँ पे देख ही सकते हो जनता भट्टे का ये घर है, तो ये देख लो जो आपको दिख रहा है कैमरे में शायद, वहाँ पे देख सकते हो। और इस भट्टे का ये पीछे पाथर है, और यहाँ पे अक्सर तो देख ही रहे हो, यहाँ पे देख लो अच्छे से गाइस, ये देख लो भट्टे का रूम मतलब काफ़ी छोटा छोटा है, एक फैमिली को एक ही घर दिया जाता है और दो फैमिली को दो, यहाँ पे देख सकते हो एक फैमिली में 4 बंदे होते हैं, और इतने छोटे छोटे घरों में रहना होता है, और बाहर भी बनाए जाते हैं छोटे छोटे या बरंदे जिसमें किचन होते हैं, यहाँ पे देख सकते हो ये काफ़ी छोटा छोटा रूम है भाई, हम जिस भट्टे पे काम करते हैं उससे तो काफ़ी छोटा है ये, यहाँ पे देख ही सकते हो इस भट्टे का ये मतलब इस भट्टे का ये घर है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप मतलब ये पूरी तरह से खंडर हो गया है, लोग नहीं है, भट्टा बंद है, इस वजह से यहाँ पे देख सकते हो पेड़ सारे उग गए हैं, इसमें पेड़ घरों में पेड़ उग गए हैं, देख सकते हो घरों में पेड़ उग गए हैं, इस वजह से ये पूरा सुनसान हो गया है और खंडर की तरह लग रहा है अभी, यहाँ पे देख सकते हो। और पीछे इसका ऑफिस है शायद, एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ है इसमें जो कैमरे में नहीं आएगा सर, यहाँ काफ़ी दूर है यहाँ पे से, और यहाँ पे देख सकते हो मतलब ये घर पे लोग नहीं है और भट्टा बंद होने के कारण ऐसा हो गया है। और ये मुझे क्या दिख रहा है गाइस, ये देख लो अंडा, अच्छा या खराब, अच्छा ही है, तो ऐसी चीजों को उठाना नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से चलता हूँ और सामने भी, और यहाँ से देख सकते हो गाइस मैं नीचे आ गया, और यहाँ से मतलब एक सामने भी बेर की पेड़ है, तो वहां पे चलते हैं देखते हैं वहां पे बेर है कि नहीं, तो वो इस पेड़ में तो बेर एक भी नहीं है क्योंकि सारे बेर खा गए यहाँ पे, वो भी है इस भट्टे के पीछे जो देख रहे हो, इस भट्टे के पीछे के लोग यहाँ पे शायद इस भट्टे के लोग खा गए बेर सारे, और आगे भी एक बेर की पेड़ है, तो वहाँ पे चलते हैं उसमें देखते हैं है कि या नहीं। और यहाँ पे देख सकते हो गाइस मेरे पीछे आ चुका हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हो मेरे पीछे बेर का एक पेड़ है, तो यहाँ पे देख सकते हो। और वैसे तो हम बेर नहीं खाते क्योंकि जब तक माँ सरस्वती की पूजा ना हो तब तक हम बेर नहीं खाते, पर जब तक माँ सरस्वती की पूजा हो तब तक तो एक भी बेर नहीं रहेंगे, इसीलिए 2-4 ऐसे खाने होते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो नीचे का बेर खा गए सारे, और जहाँ भी ये ऊपर है और जो भी पका नहीं है इस बेर का मतलब ये जो बेर की पेड़ है, तो इसमें ज्यादातर पका नहीं है, जो देख सकते हो काचा है, तो यहाँ से चल के ऊपर से दिखा देते हैं आप सभी को भी, क्योंकि इस बेर ज्यादातर नहीं पका, इस वजह से नहीं खाए लोग, तो यहाँ पे देख लो। और हम बेर नहीं खाते क्योंकि जब तक माँ सरस्वती की पूजा ना हो, और जब तक माँ सरस्वती की पूजा होगी तब तक एक भी बेर नहीं रहेंगे, इसीलिए हमें 2-4 करके ऐसे खाने होते हैं, तो आज 2-4 ही लेंगे, किसी दिन आएंगे और भी फिर। और यहाँ से हमें ऊपर चलना होता है गाइस, और यहाँ से देख सकते हो मैं आ चुका हूँ ऊपर, और यहाँ से फटाफट 2-4 ले लेते हैं और किसी और दिन आएंगे देखने के लिए। और ये तो ज़्यादातर पका नहीं है, यहाँ पे देख ही सकते हो, और ये दिख रहा है मेरे को एक पक्का, तो फटाफट 2-4 ले लेते हैं गाइस, आइए देख लो। ये देख लो गाइस मैंने बस 2-4-5 लिए हैं, ये तो खराब है, इसे फेंक देते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर मतलब पका नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पका नहीं है, इस वजह से मैंने 4 ही लिए हैं, किसी और दिन आएंगे फिर खाने के लिए, यहाँ पे देख सकते हो।
तो फिलहाल हम फिर से नीचे चलते हैं और यहाँ पे देख सकते हो गाइस मैं काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ और हर चीज़ यहाँ से छोटी छोटी नज़र आ रही है मेरे को, ये देख लो, देख ही सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो अपने, मतलब ये बीयर उतना पका नहीं है और यहाँ पे व्यू कैसा दिखता है यहाँ से ऊपर से। तो यहाँ से नीचे चलते हैं, मैं बस चार ही बीयर लिया हूँ यहाँ पे क्योंकि ये उतना पका नहीं है। तो यहाँ से फिर नीचे चलते हैं। अल्ले गाइस हम जम करके आ गए और यहाँ से हम फिर भट्टे पर चलेंगे अपने भट्टे पर, क्योंकि यहाँ पे देख ही सकते हो शाम का वक्त है और ईंटें भी लगाने हैं और भी, क्योंकि काल के लिए जगह नहीं है तो ईंटें लगाएंगे फिर यहाँ से चल के। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा बता देना कमेंट सेक्शन में, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय।